जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। महतारी वंदन योजना नवी किस्त की राशि 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में दीपावली से पहले ही सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अपना पैसा कैसे चेक करेंगे और किन किन महिलाओं के बैंक खाते में नवी किस्त की राशि भेजी गई है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा की आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर सीएम विष्णु देव साय का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर बताया गया कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महतारी वंदन योजना की नवी किस्त जारी की। यहाँ पर लिखा है कि दीपावली के पूर्व ही मिली इस राशि से माता बहने बहुत ही उत्साह से दिवाली मनाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नवी किस्त की राशि सरकार की तरफ से भेजी जा चुकी है और इस बार यहाँ पर जो राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा नवी किस्त को लेकर कई सारे नोटिफिकेशन पोस्ट को भी जारी किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है महतारी वंदन योजना इस बार दीपावली का त्योहार है खास। 25 अक्टूबर को प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों से मिली महतारी वंदन योजना की नवी किस्त। इस प्रकार यहां पर जो सभी मातृ शक्तियों को अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको नवी किस्त की राशि मिल चुकी है तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें, सरकार की तरफ से उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में नवी किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है जिनकी अभी वर्तमान उम्र 60 वर्ष से कम है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आपको आगे से इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो और उनमें डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। अगर किन्हीं महिलाओं को बैंक की तरफ से एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है तो वैसे महिलाएं अपने पैसे चेक करने के लिए कई तरीके से चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। आपको सिंपली महतारी वंदन .cgstate.gov.in पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मेनू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर खुल करके आ जाता है। सिंपली यहाँ पर जो भी लाभार्थी का क्रमांक संख्या होगा बेनिफिशियरी को, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है या फिर आप चाहे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं। उनके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा वाले ऑप्शन पर आपको इस वाले कैप्चा को फिलअप करना है, देन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो बाद आपको यहाँ पर हितग्राही का जानकारी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर भुगतान की स्थिति भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जितनी भी पेमेंट मिली है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपको किस किस मंथ में आपके बैंक अकाउंट में राशि भेजी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर जो 10वें मंथ का जो कि पहले यहाँ पर भेजा गया था, तो जो भी आपका लेटेस्ट वाला पेमेंट होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको बैंक की तरफ से एसएमएस नहीं मिला है तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए सीधा जो भी आपका बैंक खाता है आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाइए। वहां पर आप जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नवी किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।